अभी तक तो रोड बड़ी जबरदस्त है, रोड तो नहीं कह सकते इसी, मड़ी सी है पर जबरदस्त है, अच्छा लग रहा है। हरे भरे रास्तों से लोगों को मिलते हुए मैं 2 घंटे की हाइक करके पहुंचा नेपाल के एक हिडन जैम धामपुस गांव, जो पोखरा से 25 किलोमीटर दूर है और जाना जाता है अपने अपर हिमालय के ब्रेथ टेकिंग व्यूज और स्टोन हाउसेस के लिए। से बनता है ये याक, याक बुल, कॉटन है, 2000 बोल रहे। मैं भी उधर पूछ के 300 रुपए बोल रहे हो क्या? क्या 300 रुपए रूम कहीं मिल गया? 300 में कहीं नहीं मिलेगा ये। 300 में मिल रहा है उधर? कौन कौन बोला थे? चलो मेरे को दिखाओ। सिंगल रूम जस्ट 300। हाँ जी, आई एम पवनदीप मान, नई वीडियो और नए सफर में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज पोखरा को छोड़ने का दिन आ चुका है, मतलब मैंने 4 रात और 5 दिन लगा दिए। अभी मैं हरी चौक पे हूँ, ये यहाँ पे हरी चौक है, ये काफ़ी फेमस है इधर। तो पृथ्वी चौक है जो वो सबसे मेन है, जो बस स्टैंड है यहाँ का वो पृथ्वी चौक है, और ये वाला है उससे दूसरा मेन कह सकते हैं अपने। इधर से नॉर्थ की तरफ, अन्नपूर्णा की तरफ जो भी गाड़ियाँ जाती हैं, बागलुंग की तरफ, जोमसो मार्फा की तरफ, वो सारी इधर से होके जाती हैं। तो अभी मेरा प्लान है धामपुस जाने का। धामपुस यहाँ पे एक लोकल गांव है, यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर और होगा। और हरी चौक आने के लिए आपको सिटी बस आराम से मिल जाएगी, छोटी एक मैं आया था, वैन सी थी छोटी, उसमें बैठ के आया था 0 तक, फिर वहाँ से यहाँ तक, मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे को फिगर आउट करना होगा अभी कौन सी जा रही है धामपुस। धामपुस अदर धामपुस धामपुस कितना आदमी है? एक एक आदमी है। किधर पहुँचना है? खाली धामपुस 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 300 300 हाँ, ज़्यादा नहीं है ये? ज़्यादा और ज़्यादा ले देगा तो हम लेगा, नहीं तो 300 रेट है। सही सही रेट क्या है? लोकल प्राइस, लोकल प्राइस 300 है। 300 ज़्यादा है, 20 किलोमीटर पे है इधर से। ओके, आप 20 किलोमीटर है तो घट्टेखाला का बस है, उधर से उधर ऊपर जाओ ना। अभी उधर मैंने जीप का पता किया, पर जीप वाला बहुत ज़्यादा मांग रहा है यार, 300 रुपये मांग रहा है यहाँ से। सिर्फ 20-25 किलोमीटर ही है, हालांकि रोड ख़राब है बट स्टिल 300 थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए मैं बस से जा रहा हूँ। मतलब हाईवे है एक, उससे घट्टेखाला नाम की जगह है, वहाँ तक जाके फिर वहाँ से हाइक करनी पड़ेगी धामपुस के लिए, वो देख लेंगे। घट्टेखाला अभी घट्टेखोला नाम की जगह पे हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है घट्टेखोला, और ये पुल था जो अपनी बस थी उसका फाइनल स्टॉप भी यहाँ पे घट्टेखोला में ही था। और यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं, ये धामपुस की तरफ जाएगा। और टैक्सी से आ रहा था तो उसने 300 रुपये बोले थे, तो मैं बस से आ गया घट्टेखोला तक, मेरे 100 रुपये लगे हैं। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं था, कितना 14-15 किलोमीटर ही है, फिर भी बस ने टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ले लिया, 1 घंटा ले लिया, लोकल बस थी। अभी तक तो रोड बड़ी ज़बरदस्त है, रोड तो नहीं कह सकते इसे, मड़ी सी है पर ज़बरदस्त है, अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी रोड तो मैं चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लोकल थोड़े घर वगैरह दिखने से स्टार्ट हुए पड़े हैं, अंकल जी कपड़े धो रहे हैं। नमस्ते धामपुस, इधर से धामपुस दिस, ओके धन्यवाद। अंकल जी से रास्ता पूछा, वो बोले इधर प्लेन प्लेन पे किधर जा रहा है भाई, इधर जा पहाड़ चढ़, तो ये पहाड़ उतरना पड़ेगा लगता है मेरे को भी। यहाँ पे रास्ते में बैठने के लिए ऐसी जगह भी बनी हुई है, हालांकि मैं थका नहीं बट स्टिल ये ब्यूटी को देखने के लिए मैं रुक गया यहाँ पे। बढ़िया ज़बरदस्त है रास्ता, सारा ऐसे सीढ़ियों से होके ही है। अभी ये सीढ़ियों से होके इधर से मैं आया हूँ, और यहाँ से गजब नज़ारा दिख रहा है। बस से आता तो शायद एक्सपीरियंस कर पाता, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, यही बजट ट्रैवलिंग है, मतलब हमेशा अपने लग्जरी को चूज़ नहीं कर सकते। नमस्ते धामपुस, किधर से? इंडिया। धन्यवाद। इंडिया, इंडिया कौन है? राजस्थान। राजस्थान नाम? नाम फेदी। फेदी धामपुस। धामपुस धामपुस देवराली। देवराली फेदी। ओके धन्यवाद। धन्यवाद।
वो पीछे मैं जो गांव क्रॉस करके आया उसका नाम फेदी था, मेरे को लगा वही धम्पुस है, पर धम्पुस इससे भी आगे है, मतलब कि इतनी भी आसान हाइक नहीं है। बाकी मेरे पास बैग है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ रास्ता है। यहाँ पे हूँ अभी, रेस्ट कर रहा हूँ और आगे फिर ऐसे सीढ़ियाँ हैं, जंगल में से होके रास्ता है। अच्छा है, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा टायरिंग है बैग की वजह से, बट स्टिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी भाग दौड़ वाली बात नहीं है। अब मेरे को चले हुए 1 घंटा 15 मिनट ही हुए हैं, नियरली 2 घंटे हो गए मेरे को चले हुए, और अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। लगता है शायद ही धम्पुस है, पूछना पड़ेगा। और आते ही मेरे को एक ऐसा घर दिखा है और थोड़े व्हीकल दिखे हैं, मतलब यही हो सकता है। और ये घर कितना ऑथेंटिक लग रहा है भाई, पूरा मतलब स्टोन से बना हुआ है और बीच में ये मड है, और पूरा ऑथेंटिक टाइप का घर है ये, अच्छा लग रहा है। और एक घर इधर भी है, हाँ शायद यही धम्पुस है। अभी थोड़ा नीचे जा के इधर से ही चलता हूँ। नमस्ते, ये धम्पुस यही है? ओके, धन्यवाद। अभी सबसे पहला काम तो ये है, अभी आज रुकने का जुगाड़ देख रहे हैं, कोई अच्छा सा होम स्टे वगैरह। पोखरा से जो जीप वगैरह चल के आती हैं वो यहाँ रुकती हैं शायद। ये एक जीप अभी मेरे सामने सामने आई है, पोखरा से आ रही है। और होटल वगैरह भी पीछे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, होटल वगैरह है, बस ठीक है। मैं होम स्टे वगैरह ढूंढ रहा हूँ कुछ। गांव में भटकता हुआ अभी मैं यहाँ पे एक जगह पे आ चुका हूँ, काफ़ी सुंदर लग रही है, और इधर से ऐसे काफ़ी ऑथेंटिक सी लुक आ रही है गांव की। देखता हूँ कोई रुकने का जुगाड़ अभी तक हुआ नहीं है अपना। ये होटल वगैरह है लाइक यहाँ पे। नमस्ते, ये आपका है? रुकने का कितना है? Are you alone? Yeah, I'm alone. Solo. Single room just 300 rupees. 300? Single room. Single room? Double room is 600. Double room is 600? Yeah. Okay. Food? Food is included or extra? Extra. How much for food? I looking menu. Okay. Your property is looking good. But I am looking for homestay. Maybe I will visit here after the village. Okay. Namaste. Namaste. ये क्या बना रहे हैं आप? शॉल। यहाँ का लोकल है? हाँ, लोकल शॉल। किससे बनता है ये? याक वुल? ये याक वुल नहीं, ये कॉटन है। कॉटन? याक वुल अंदर है। ओके। अच्छा लग रहा है, सुंदर है ना, काफी कुछ बनाया हुआ है आपने। ये सारा आपका हाथ से बनाया हुआ है? आंजी। बहुत मेहनती हो आप तो। मेहनत तो करना पड़ता है, ऐसी बात। नमस्ते दाई। होम स्टे? कितना हिंदी आता है आपको? हाँ। होम स्टे का कितना है? हिंदी आता है मेरे को। वो होम स्टे आपका? हाँ। वो वाला? हाँ। क्या रेट है? 1500 एक आदमी का। एक आदमी का 1500? हाँ। उसमें आपका मिलेगा खाना, हाँ, सुबह का नाश्ता, हाँ, और रूम करके एक आदमी का 1500। 1500 सही बताओ। वही बोल रहा ना। हाँ। रेट तो वही है, इधर का जो चल रहा है वही रेट तो बता रहा हूँ। थोड़ा ज्यादा है ये? ज्यादा कहा ज्यादा होगा, आपको उसमें रूम मिलेगा। रूम तो मिलेगा। अभी इधर जाएगा तो आपको एक ही रूम का आपको कितना बोले तो 1500-2000 बोलेगा। मैं भी उधर पूछ के 300 रुपए बोल रहे हो। क्या क्या? 300 रुपए रूम। काहे मिलेगा 300 में? काहे नहीं मिलेगा ये। 300 में मिल रहा है उधर? कौन बोला? चलो मेरे को दिखाओ पक्की। अगर उसका 300 में हुआ तो आप कितने में दोगे? मैं उससे नीचे में तो नहीं होगा मेरा। हाँ तो फिर 300 में आप विश्वास करो ना। ना, 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 ना वो ये हो ही नहीं सकता है। 300 में दे रहा है वो? ना, ना, ना। दे रहा है ये बात ऐसा है आपका, ठीक है, रूम का आपको 300 दिया तो आपका खाना और नाश्ता में बड़ी लगा देगा वो, बात ये ठीक है ना? हाँ वो तो है, पर वो रूम 300 में दे रहा है? ना ना, रूम 300 में कहीं नहीं मिलेगा। मिल रहा है ना?
लगभग मैंने सारा गांव से ही देख लिया और काफ़ी जगहों पे पूछा। होम स्टे यहाँ पे हैं पर थोड़े कम हैं और जो हैं वो प्राइसी हैं एज ए बजट ट्रैवलर, तो ये प्लान भी मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा होम स्टे वाला, क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट हो रही है मेरी। अभी वापस मैं उसी प्रॉपर्टी में आ चुका हूँ ये, और ये जो है यही सबसे चीपेस्ट लगा मेरे को, इससे चीपेस्ट और तो कोई मिला नहीं। इसका नाम है होटल यामा साकुरा रेस्टोरेंट एंड बार, ये मोबाइल नंबर है इनके। तो अभी देखता हूँ रूम वगैरह, अभी दिख नहीं रहा कोई यहाँ पे। हेलो सर, योर प्राइस इज द बेस्ट। ओके, लुकिंग रूम। या रूम, योर प्राइस इज बेस्ट, गुड प्राइस। ओके, लेट मी शो। ऐसा रूम है, मतलब और तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेड और ऐसा व्यू मिलेगा अपने को। एंड ऐसे ही इनके पास ये है ट्रिपल ऑक्यूपाइंग एनसी का रूम, अच्छी है प्रॉपर्टी। और ये ट्रिपल वाले ही है रूम लगभग। आई वांट दैट रूम, दैट इज ऑल्सो सिंगल, या व्यू इज नॉट गुड फ्रॉम हियर, दैट्स व्हाई आई वांट। या हॉट शावर, maybe no sun, little bit warm water, little bit warm. Okay, no problem. So what do you have in food? What do you have in food dinner? What you like? I have menu. What is the like price of triple bedroom? Triple is 600. Okay. No one is here today. I'm the only customer here. Okay. Dining is here. Good. So this is the menu. No Indian food? Okay, no problem. So you are local? Of Dampus? Yeah, Dampus, my village, next village. Okay, next village. What is the name of your village? Lake Kunda. Kunda? Lake Kunda. Lake Kunda. Yeah, my house is there, 1 hour walking. Okay, 1 hour by walk. Charging ke liye kidhar milega? Idhar nahi hai kya? Idhar to nahi milega. Nahi hai na? Ye room mein to nahi hai. Dusra room mein hai. Usme hoga. Idhar bahar hai na? बाहर तो वाई फाई करता है। ओके चलो मैं इधर लगा लूंगा चार्ज पे। ओके नो प्रॉब्लम। आप अकेले? हाँ जी अकेले। सिंगल रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, और पर यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब उसके लिए अपने अच्छा खासा पे कर सकते हैं। तो व्यू अमेजिंग है, सोने के लिए एक बेड है और बेड काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब इसका गद्दा गुद्दा काफ़ी कंफर्टेबल है, तकिया है, सही है। और यहाँ पे मतलब किचन में गया था मैं, ये यहाँ पे ये रहा किचन ये वाला। तो किचन में गया तो वहाँ पे कोई इंडियन डिश है नहीं यहाँ पे, और जो डिशेज़ हैं यहाँ पे वेस्टर्न हैं जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है मेरे लिए, क्योंकि वो 500-600 इतने से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 500 से कम तो कोई फूड है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, बाहर जाऊँगा, इंडियन फूड मैंने वो घर पे पूछ के आया था मैं, एक तो होटल था उनका, वो बोले भी हाँ इधर खाना खा सकते हो, खाना चाहो तो खा सकते हो, उधर 350 का बोला था उन्होंने। तो अभी मैं उधर जाऊँगा और थोड़ा बहुत अभी बाहर जाके गाँव देखता हूँ। रूम सही है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये व्यू जो मिल रहा है ना, ये है भाई। कैंपस गांव है जो वो फेमस है अपने मतलब गजब व्यूज़ के लिए। अभी यहाँ से पीछे बादल हैं, अगर बादल ना होना तो इतना ज़बरदस्त व्यू आए। वैसे यहाँ से ये दिख रहा है जो इधर की साइड जो है, ये है लामजुंग कैलाश। अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मेरे को, मतलब स्नो क्लैड माउंटेंस है, बादल साफ़ हो जाएं तो और भी ज़्यादा दिखे, मतलब
बहुत ऊंचे हैं भाई, मैं गैस नहीं कर सकता इनको भी कितने ऊंचे हैं, ये बहुत ऊंचे हैं। और फिर इधर अपने आ गया माचो पचूरे, जो कि काफ़ी फेमस है इधर। माचा पचूरे का मतलब होता है फ़िश टेल, मतलब ये जो पहाड़ है इसकी शेप है ना जैसे फ़िश की टेल होती है वैसी है। अभी मेरे को दिख नहीं रहा क्योंकि इधर बादल हैं इसलिए। और इसके इधर जो है ये अन्नपूर्णा दक्षिण है, मतलब कि अन्नपूर्णा की कई सारी पीक्स है ना, उनमें से एक ही अन्नपूर्णा दक्षिण है। और इसके पीछे जो है वो मर्दी हिमल है, यानी कई सारी इधर माउंटेन पीक्स दिखती हैं अपने को। ज़बरदस्त नज़ारा है, पर अभी थोड़ा बादल आए हुए हैं। मे भी कल सुबह मतलब थोड़ा मौसम साफ़ हो जाए तो ये सारा अपने को ज़बरदस्त दिखेगा, अभी भी दिख रहा है। इन जो माउंटेन की ये अन्नपूर्णा है ना, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब मैक्सिमम तो नहीं, अन्नपूर्णा की कई सारी पीक्स हैं ना, अन्नपूर्णा 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो 8000 मीटर के ऊपर की है इनकी एलिवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे थोड़ी ठंड सी है इसलिए मैंने जैकेट वगैरह सी पहन ली है। ये लगभग 1600 मीटर की एलिवेशन पे और यहाँ पे ऐसे ठंडी रहती है। अभी स्टाफ से बात हो रही थी, वो बोलते हैं जब यहाँ पे बारिश हो जाती है ना तब तो मतलब ऐसे उंगलियाँ कांपने लग जाती हैं, काफ़ी ठंड रहती है। बर्फ़ नहीं पड़ती यहाँ पे सर्दियों में, लेकिन ठंड काफ़ी हो जाती है। और व्यूज़ यहाँ से पूरे गाँव की, इतने ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे हैं। धामपुर इट्सेल्फ इज़ ए टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ पे देखने के लिए स्पेशल कुछ नहीं है, पर ये खुद में ही इतना अच्छा है कि इसको अपने को आना चाहिए। मतलब धामपुर से एक इतना सुंदर गांव है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मैं मेरे को अच्छा लगा। बस एक चीज़ है, मेरे को यहाँ पे लगा था टूरिस्ट वगैरह होंगे पर मेरे को टूरिस्ट नहीं दिख रहे, सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है और कहीं ना कहीं ऐसे भी अभी खाली खाली सा लगता रहता है विलेज। मैं एक होटल है यहाँ पे, मतलब इनके भी रूम वगैरह है यहाँ पे रुकने का, वो 800-1000 के आसपास है, पर सस्ता वो था, रुक मैं उधर गया और अभी यहाँ पे खाना खाने आया हूँ। ये कुछ खाने में आया है, मैंने चावल नहीं मंगाया, मैंने रोटी मंगाई थी, रोटी आई है, मिक्स वेज है, दाल है और ये चटनी है और सलाद है। ये मेरे को पड़ी है यहाँ पे 350 की। यहाँ पे खाना थोड़ा सा महंगा है, रहना सस्ता है उस हिसाब से, तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं इंडियन, तो यहाँ पे आया हूँ मैं। लगभग सारा कुछ बंद हो चुका है, सिर्फ 8 बजे हैं अभी तक और फिर भी सारा कुछ एकदम बंद हो पड़ा है, हुआ पड़ा है। लगभग गांव वाले सो चुके हैं, एकदम सन्नाटा है, पीस है एकदम यहाँ पे। अभी मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मेरे को भी ऐसे लग रहा है मैं शोर मचा रहा हूँ, तो ये कुछ हाल है। और रूम अपना ये है ही, बेड सही है, मस्त है। बस अब फिर मैं भी सोता ही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। अच्छी बनाई हो, सेम इंडिया वाला टेस्ट नहीं आता, थोड़ा थोड़ा नेपाल का टच रहता ही है इनमें, पर स्वाद आई है।